गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ओके, कल हम डेसिमल एक्सपांशंस के बारे में पढ़ रहे थे। यस, पीटिंग होगा, ठीक है, रेशनल नंबर का। अगर ऑफ द फॉर्म 2/7, अगर 1/25 है तो 0.04, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। यस, टर्मिनेट हो रहा है तो कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट, आपने 1/8 जैसा कुछ भी देखा था, तो 1/8 का अगर हम डेसिमल एक्सपांशन की बात करें तो कितना था? 0.125। ऑब्जर्वेशन वाज दिस इज आल्सो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है ना। ये ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है इसका, ये भी टर्मिनेटिंग है। तो यहां से हमने कंक्लूजन क्या निकाला, डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल का या तो टर्मिनेटिंग दिखता है या नॉन टर्मिनेट अगर होगा तो रिपीट करेगा। सो लेट्स राइट अ इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स is either terminating, या तो वो terminating होगा और non terminating recurring या repeating, ठीक है। अब किस केसेस में क्या होगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ, जो हमने अभी तक observations किए उसी से हमने बताया। हमारी observations ये है कि the decimal expansion is always terminating for p by q form where q has 2 or 5 only in prime factorization. मतलब denominator में अगर सिर्फ 2 या 5 present है तो ही वो terminating होगा, otherwise any prime factorization will give non-terminating and repeating decimal expansion. मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि अगर एक example ले लूँ मैं 2/3, तो ये भी कितना होता है 0.6666 चलता हो जाएगा, that is 0.6 bar, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो denominator में इसके क्या है, denominator में इसके 3 है, ठीक है। हमारा डेसिमल एक्सपेंशन अगर क्यू में, क्यू के ऊपर डिपेंड करता है पूरा का पूरा, अगर क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 प्रेजेंट होगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों ओनली लिखा है, देखो 2 और 5 ओनली, क्यों? क्योंकि 2 है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करके 10 बना सकता हूँ, 5 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 10 बना सकता हूँ, 25। इट इज नॉट पॉसिबल के 3 है तो उसको कुछ भी क्लब करके मैं 0 में कन्वर्ट करूं। तो अगर नीचे 3 है, 5, 7 है, ठीक है, 11 है, ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, तो कभी भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं करेगा। ये सारे एग्जांपल्स हमने देखे थे, देखो 2 है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 4 है तो 25 से, 8 है तो 125 से, 16 है तो 5 की पावर 4 से, 32 है तो 5 की पावर 5 से, 5 है तो 2 से, 25 है तो 4 से, 125 है तो 8 से, 625 है तो 16 से, ठीक है। अब सिमिलरली 125 है तो हमने क्या 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, ये देखो, तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा था। तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कब करेगा, जब नीचे 10 बनेगा सिर्फ, तभी डेसिमल्स शिफ्ट हो जाएंगे। तो 10 कब बनेगा, जब 2 और 5 प्रेजेंट होगा तभी 10 बनेगा। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे सर पूछते हैं कि सर अगर मान लो दिया हुआ है 17/6 तो क्या ये टर्मिनेट करेगा? नो, क्यों टर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि बेटा अगर डेसिमल देखोगे नीचे का एक्सपेंशन तो उसमें 2 तो है लेकिन ये 3 जो है वो प्रॉब्लम करता है क्रिएट, ठीक है। ये 3 की वजह से ही प्रॉब्लम्स होती है, सिर्फ 2 होता या सिर्फ 5 होता या 2 × 5 = 10 होता तो टर्मिनेट होता, कुछ भी और अगर प्रेजेंट है तो ये टर्मिनेट कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। दिस विल नेवर टर्मिनेट,
ओके ठीक है, उसको नोट कर लेंगे आप, ओके देन विल गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू आइडेंटिफाई द डेसिमल एक्सपेंशन, सो इट इज ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ओके ओके, अब जो हम स्टडी करने वाले हैं वो स्टडी है कि अगर मेरे पास डेसिमल एक्सपेंशन दिया है, जैसे मान लो मुझे दिया हुआ है कि 0.666 मतलब 0.6 बार है, तो इसको मुझे अब p by q फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम उल्टे प्रोसेस में चलेंगे, इसको इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे. ठीक है, सो कन्वर्जन ऑफ, लिख लो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोना स्टडी इज कन्वर्जन ऑफ, किसी का कुछ बाकी है तो प्लीज लेट मी नो, कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग repeating, conversion of non-terminating repeating in p by q form, conversion of non-terminating repeating in p by q form. Yes, sir. चले आगे. यस सर. ओके सो लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके तो क्या लिखा हुआ है, लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. मान लो लिखा है, क्वेश्चन इज कन्वर्ट, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कन्वर्ट 0.6 बार इन पी बाई क्यू फॉर्म. तो प्रोसेस को आप समझें कैसे करेंगे, एक्स को लिख देंगे 0.6666 चलता हुआ जा रहा है, फिर मैं क्या करता हूँ 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 10x, ये कितना हो जाएगा 6.6666. इज इट क्लियर. अब मैं क्या करता हूँ, इस x को, ठीक है, इसके नीचे वापस से लिखता हूँ, तो x क्या लिखा हुआ है 0.666. अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ 10x माइनस x क्या हो जाएगा, 10 apples माइनस an apple, 9 apples. Is it clear? सबको समझ आ रहा है? Yes, yes, sir. 10 apples minus. Sir, can you explain it again? From where, Vanya? Tell me. See, x is 0.666. What did I do? Is multiply by 10, both the sides. Multiply by 10. Then once I have multiplied it by 10, it has become 10x equals to 6.6666. Now what did I do is I subtracted x from here. So left over was 9x equals to. Now on the right hand side, what will happen, you know? See, if I start performing subtraction, every 6 is going to get cancelled with this 6. फिर वो कितने भी हो, ये सारे इन्फिनिट है, बहुत सारे, कभी खत्म नहीं हो रहा है, अनंत तक चलता जा रहा है. तो हर 6 के नीचे एक 6 है, सब्ट्रैक्ट होने पे 0 जनरेट करेगा, 0 करेगा, 0 करेगा, और चलता हुआ जाएगा, चेन है पूरी. अब 6 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 6. तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ 6.0000, which is nothing but 6, this is 9 of x. So x is 6/9, which is 2/3. Is it clear? क्लियर है मैंने कैसे कन्वर्ट किया. तो नाउ 2/3 को मैंने प्रूव कर दिया 0.6 बार, क्योंकि यही कन्वर्जन हमको करना है. तो एक एग्जांपल आप लिख लो, इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं. यस सर. ओके नेक्स्ट सेकंड कन्वर्ट, because go convert 0.15 bar in p by q form. मतलब किस क्वेश्चन को करना है 0.15 15 15 और ये चलता हुआ जाएगा इन्फिनिटी तक.
सर 5/33 ओके लेट्स सी वेरी गुड, सबसे पहले नीति ने मुझे आंसर दे दिया 5/33, बाकी क्या कर रहे हो? 5/33 इज द फर्स्ट आंसर आई हैव रिसीव्ड, बाकी बच्चों का क्या आंसर आ रहा है प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। चलिए तीन बच्चों के आंसर्स मेरे पास आ चुके हैं, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, लेट्स टेक दिस, है ना, क्या रहा नाजरा आंसर क्या रहा है बताइए आप मुझे। 5/33 ओके ओके लेट्स सी, x लिखा हुआ है 0.151515। अब मुझे एक चीज बताओ मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से करूंगा या 100 से करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 100 से करूंगा, बताओ क्यों 100 से करूंगा, क्योंकि देखो इसमें जो लॉजिक है बार में दो है, यस 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 दो नंबर्स है, बहुत अच्छे, जिसने ये समझ लिया मतलब आपको तो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जल्दी क्लियर हो गया। 100x कितना हो जाएगा 15.151515 एंड 15। अब मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, हाँ तो दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या जाएगा मेरे पास बताओ? 99x यस, और हर 5151 कैंसिल आउट होता जाएगा, तो ये बचेगा क्या 15.000, तो 15 ही बचा, इक्वल्स टू 99x, x कितना हो गया 15/99, दैट इज 5/33, सुपर वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दूं मैं आपको अभी, कन्वर्ट कन्वर्ट 0.15 बार इन p / q फॉर्म, अब मुझे बताओ क्या आएगा इसका आंसर। Yes. अब बार सिर्फ 5 के ऊपर लगाया मैंने, देख लेना। Yes. So 7/45. Let's see. ओके ओके सब बच्चों का 7/45 आ गया मेरे पास आंसर, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन।
एक्स क्या लिखा है 0.15555. अब पहले मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा पता है, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा. व्हाट्स माय फर्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाइंग बाय 10. बताओ क्यों? तो होगा क्या, पहले तो मुझे रिपीटिंग पार्ट है ना डेसिमल के, डेसिमल के पास लेके आना है, सबसे पास में रिपीटिंग पार्ट लाना है, तो 1/1.555 हो जाएगा. ठीक है, अब फिर मैं क्या करता हूँ, 10 से और मल्टीप्लाई करता हूँ. बताओ क्यों? क्योंकि रिपीटिंग पार्ट को सब्ट्रैक्ट भी तो करना है, तो ये 100x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 15 पॉइंट, अब बचेगा 5555. अब मैं इस वाले चीज को इसके नीचे वापस लिखता हूँ सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो 10x कितना हो जाएगा 1.55555. और ये पूरा चलता हो जा रहा है. अब होगा क्या, जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हर 5 5 से कटता जाएगा, हर 5 5 से कटेगा, बचेगा क्या 15 - 1 विच इज 14 14, और यहाँ पे कितना बचेगा 90x. सो x विल बी 14/90 विच इज 7/ सर, बट आई सॉल्व बाय अनदर मेथड एंड आई गॉट द आंसर 7/45. यू विल गेट द सेम आंसर, बट टू अवॉइड द मिस्टेक्स एंड इन सब्ट्रैक्शन हम इस मेथड को यूज करते हैं. ठीक है, ओके सर. हमें कहीं अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस बड़े आ जाएंगे तो प्रॉब्लम ना रहे, इसीलिए हम इस मेथड को यूज करते हैं. ठीक है, ओके सर. आपने अलग मेथड से भी किया होगा तो उसमें क्या होगा, सिर्फ एक बार आपने 10 को कम मल्टीप्लाई किया होगा. ठीक है, यस सर, है ना, ओके, यू कैन फॉलो दैट एज वेल. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूं क्या मैं? चलो, तो आपकी स्क्रीन के सामने मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, फोर्थ वाला क्वेश्चन है. मुझे बताइए आप इसका वैल्यू क्या होगा. 0.75 bar. ए ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने 75/90, बी ऑप्शन 25/33, सी इज 3/4 एंड डी इज नन ऑफ द अबव. सर 25/33 बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छे 25/33 सही है. ठीक है, 25/33 बहुत अच्छे, सब बच्चों का आ गया, सुपर सुपर सुपर. ठीक है, देखो कैसे करेंगे, x को लिखेंगे 0.75 75 75, ठीक है ना, 7575 लिखते जाएंगे इसको. फिर अब क्या करेंगे, रिपीटिंग पार्ट को लाना है 100x. वेरी गुड, बहुत अच्छे, तो हो जाएगा 75.7575. ठीक है ना, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 99x = 75 75 75/99. अब सिंपलीफाई कर लेंगे इसको 25/33 33 से 33. सुपर, मतलब सारा तो आप लोग कर ले रहे हैं, बहुत अच्छे से कर ले रहे हैं. ठीक है, ओके, थैंक यू सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा. ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट हमने ये भी कवर कर लिया है. ठीक है, ओके, अब एक और क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ. ये आपको मुझे बताना है कैसे करेंगे आप. मान लो ये दिया हुआ है आपको, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे.
0.216 बार. तो 6 के ऊपर बार है. यस बेटा. So 13/60. Okay, 13/60. Let's see. Okay, Nazra has given me the answer 2405/111. Nazra, see the decimal expansion is 0 point something. So the number has to be less than 1. So numerator has to be less than denominator. Sir, I'm not understanding this sum. No, I'll solve it again. Pura ka pura main solve karke batunga. Okay? Should we go for this question? Yes, sir. सबने एक बार ट्राई कर लिया. सबको एक बार कोशिश करनी है तो आपको समझ आएगा. देखो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं. क्वेश्चन जो दिया है उसको लिख लेते हैं. तो क्या लिखा हुआ है, 2 points, this is, ये चलता जा रहा है. देखो 6 is going on. अब मैं क्या आइडेंटिफाई करूंगा इसमें से कि रिपीटिंग पार्ट कौन सा है. ये रिपीटिंग पार्ट है और मेरा हमेशा टारगेट क्या रहता है कि रिपीटिंग पार्ट को पहले तो डेसिमल के बाद ले आऊं, मतलब डॉट के बाद पहले रिपीटिंग पार्ट ही दिखे सबसे पहले, और कुछ नहीं दिखना चाहिए. तो मैं क्या करता हूँ, व्हाट विल आई डू इज मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. सो आई मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ द साइड्स. सो 100 ऑफ एक्स वुड बी इक्वल टू 21.66666. सो माय टारगेट इज अचीव. देखो डेसिमल के बाद अब ये आ गया. फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, जितना पार्ट रिपीट करता है उसको आइडेंटिफाई करूंगा. तो मुझे पता चला एक पार्ट रिपीट कर रहा है, तो अगर एक रिपीट कर रहा है तो और 10 से करूंगा. दो रिपीट कर रहा है तो 100 से करूंगा. तो एक रिपीट कर रहा है तो मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड 10 से और मल्टीप्लाई कर दिया. तो बन गया 1000x 216.66666. कितना पार्ट रिपीट कर रहा है वो आइडेंटिफाई करके उससे मल्टीप्लाई करना है. अब ये आपका एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है. अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे आप, तो ये 100x हो जाएगा क्या, 21.666. क्यों कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन, ताकि जो ये दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन है, देखो बिल्कुल सेम है, रिपीटिंग वाला पार्ट दोनों का सेम है, तो दोनों आपस में कट जाएं, ठीक है, ऐसा हम चाह रहे हैं. जब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा तो ये 6 6 से कटता ही जाएगा, हर 6 6 से कटेगा. फिर 6 - 1 क्या होगा, 5. तो यहाँ तो सारे जीरो आएंगे, तो डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है. तो 6 - 1 5,
this will give you 11 and this would give you 1. So it's 9, 1. और यहाँ पे कितना जाएगा 900 एंड देखो 1000 माइनस 100 विल गिव यू 900. यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 900 ऑफ x. x कितना आ जाएगा 195 डिवाइड बाय 9 ऑफ 100. तो 900 आ गया. ये सबको समझ आ रहा है? यस. मुझसे आई गेस कशिश ने पूछा था क्वेश्चन. कशिश आप ही ने पूछा था? कैसे नहीं समझ आ रहा है? ओके तो वानिया आपको समझ आ रहा है अभी जो मैं बता रहा हूँ. 5 से डिवाइड कर देंगे दोनों को. यस सर. तो 5 3 इज 15, 45 इज 9 एंड अगेन 5 को इससे अगर डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 8 0. यस फर्दर वी कैन डिवाइड बाय मोर 3 सो दिस वुड बी 13 बाय 60. इज इट क्लियर? सो दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके आप बिलीव नहीं करोगे कॉन्सेप्ट 9th ग्रेड में है बच्चों को, लेकिन हम ओलंपियाड के लिए अभी पढ़ रहे हैं और आपने बहुत अच्छे से इसको कर लिया है. ठीक है सो वेरी गुड. ठीक है बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं आप. तो अभी 6th क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप 1.34 के ऊपर बार है. पूरा 34 के ऊपर बार लगाना है. ठीक है इसका वैल्यू क्या होगा? यू हैव टू गिव मी 1.34 बार प्लस 4.12 के ऊपर बार इज. ठीक है सर, वी हैव टू राइट इन पी बाय क्यू फॉर्म. यस 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 यस. योर ऑप्शंस. You want me to give you options? The options are also there. Let me give you options for this. Options are 133 by 99. Option B is 371 by 90. आपको बताना है क्या सही आंसर है. C is 5169 upon 990 and D is 5411 upon ये आंसर आ रहा है बच्चों का बताइए फटाफट फटाफट. लेट मी नो व्हाट इज आंसर यू गेटिंग. सर डी. डी आ रहा है. ओके 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 सर डी. ओके यस सर डी. फॉर अदर्स एज वेल डी आ रहा है. देख लेते हैं देख लेते हैं. Sir, my answer is not exactly this. It is 541 upon 99. Okay. Yes, okay. Sir. Okay. 541. 541 upon 99. ओके लेट मी सी कहाँ पे गड़बड़ हो रही है. लेट मी सी लेट्स टेक दिस क्वेश्चन डाउन. नाउ क्या लिखा है? 1.34 बार. फर्स्ट लेट मी सॉल्व 1.34 बार.
So if I have x is equals to 1.34 bar, means it is 1.343434. I'll have to multiply by 100. Yes. It would be 134.3434. And x would be what? 1.3434. जब दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा तो क्या जाएगा 133 is equals to 99x. Yes? Yes. X का वैल्यू क्या जाएगा 133 by 99. First is done. Let's go with the second now. Second क्या बोल रहा था 4.12 के ऊपर बार है 4.1222 it goes on. 10x would be 41.2. I told you my first task is to get the repeated decimal expansion. Then next task is to cancel that repeated, so it is 412.2222. If I subtract now, I'll get 990x is equals to, see, 412 minus of 41. See, her 22 se kat jayega. Ye to 000 hi bachega piche to. Subtraction karenge to kya ho jayega? 113. So ye aa jayega 9, and this will be 2. तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे. सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसको. 41.222 लिखा हुआ है ये. ओके सो जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो लास्ट वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1 के साथ. ठीक है, ये कट हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा. हाँ बेटा, ऊपर हमें नहीं लिखना चाहिए, एक्चुअली हमें सब्ट्रैक्शन नीचे करना है. तो ये 1 2 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 11 इसको करना पड़ेगा, इसको 3 करना पड़ेगा. तो 11 माइनस 4 इज 7. 7 3 विल बी हियर, सो x आ जाएगा 371. ओके एंड यू विल हैव 371 डिवाइड बाय 990 नहीं आएगा, ये 99 आएगा सिर्फ. ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा यहाँ चेंज कर लेंगे. ये 99 लिखा हुआ है, 99x तो आ जाएगा 371 बाय 99. ओके ना, आपके पास क्या जाएगा? 541. सो व्हाट विल गेट 133 बाय 99 प्लस 371 बाय 99. सो व्हाट वी आर गेटिंग 541 अपॉन 90. 410. यस, वी आर एट 504 आ रहा है, 504 बाय 99 आ रहा है. सो सर देखो 371 आ रहा है और 504 by 99 आ रहा है. सर आई फर्स्ट एडेड, सर आई फर्स्ट एडेड द, आपने फर्स्ट ऐड कर दिया डेसिमल 5.46. हाँ अच्छा 5.46, बट लेकिन अगर हम ऐड कर रहे हैं, एक सेकंड लेट मी रीचेक, अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है हमारा. Let me once check it down. मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दिया हमने. I'll read it. 504 is what we are getting. Let me see. 4.122 is there. ठीक है. ओके. यहाँ पे भी ठीक है, ठीक है, ठीक है. 4.122 हमारे पास आ रहा है यहाँ पे. इसके बाद अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से, 10x हो जाएगा 41.2. 22 it goes on. Then what I'll do is again multiply by 10. So 100x is 412.222. 10x was over there 41.222. If I do the subtraction, I'll end up getting this is 0. This would be 90x. Yes. See, here it's what we have made mistake. Here it's 90. Here it's 99. So first LCM is different. Okay. So 90x is what you're gonna get is 1 over here, 11 and 3. So it's 7 and 3. So x is 371 by 90. Okay, now both the numbers are different with different decimals. Both the numbers are different with denominators. So you have 133 by 99 and you have 371 by 90. So jab LCM lenge, iska LCM kya hai? Dekho, ye hai 10 or 9 aur ye hai 11 or 9. So LCM kya ho jayega? 10, 11 and 9. So 133 ke saath kya jayega? 10 aa jayega. And 371 के साथ क्या जाएगा? 10 और 9 है तो 11 आ जाएगा. ठीक है, सो अब आपका क्या बन जाएगा? 1330
और 371 into 11 कर लो, 371 0, 371, we get 1, 8, 1, 1, 4, 1, 8, 1.